दे रहा है जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है, और उस गाड़ी को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और स्टेयरिंग, इस वक्त प्रधानमंत्री स्टेयरिंग पे बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप अब देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे की कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहाँ से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहां पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहां पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहां पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टोह लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस, जहां पर एक्सप्लोसिव्स लगे हो सकते हैं, डिफेंस में इसका यूज केस हो सकता है।